अज दिल्ली च आम आदमी पार्टी ने दोष लाया कि चोन कमिशन ने उन्होंने कैंपेन गीत से पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कैंपेन गीत से पाबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि हुण भाजपा के एक होर सियासी हथियार चोन कमिशन ने आप दे कैंपेन गीत से पाबंदी लगा दी है। पहली बार होगा जो चोन कमिशन ने किसी पार्टी के कैंपेन से पाबंदी लगाई हो। आतिशी ने कहा कि तानाशाही सरकार च विरोधी पार्टियां प्रचार करने तो रोकया जा रहा, अज अजिहा ही हो रहा है। भाजपा के एक हथियार चोन कमिशन ने इस पत्र राही आम आदमी पार्टी के कैंपेन गीत से पाबंदी ला दी है। आतिशी ने कहा कि चोन कमिशन भाजपा वालों चोन जाबते की उलंघना नजर नहीं आती, पर जो भी आम आदमी पार्टी के आगू सह तक लेंदे हैं तो नोटिस आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। इस तो बाद गल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 30 अप्रैल को तिहाड़ जेल के विच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने एतवार को अज्जे जानकारी सांझी की। तिहाड़ के विच केजरीवाल के नाल भगवंत मान की यह दूसरी मुलाकात होगी। तकरीबन 12:30 बजे दोवें आगू तिहाड़ जेल के विच मिलेंगे। केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति नाल जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले 21 मार्च को गिरफ्तार किया।